Now we are going to start verse 6 of chapter menstruation. Verse 6 का कुछ क्वेश्चन जो है आपको पहले भी किया जा चुका है. Now I have to start from question number 8. Look at question number 8. Two solids of right cylindrical shapes are 49 centimeter and 35 centimeter high, and their base diameters are 16 centimeter. देखिए दो सॉलिड है, ये ध्यान देने की जरूरत है. यहां पर दो सॉलिड है और दो सॉलिड्स का शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है. यहां सिलिंड्रिकल दिया हुआ, जिसका हाइट क्या है दोनों का, दो सॉलिड है तो पहला सॉलिड का हाइट ये है 49 सेंटीमीटर और जो दूसरा सॉलिड है उसका हाइट है 35 सेंटीमीटर. ये आपका देखिए हाई दिया हुआ, हाई मींस हाइट. बेस डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 14. दोनों सॉलिड का जो बेस है उसका पहला सॉलिड का डायमीटर है 16 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सेकेंड सॉलिड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. बोथ आर मेल्टेड, दोनों सॉलिड को क्या किया, पिघला दिया. दोनों को पिघला दिया, मेटल है पिघला दिया और पिघलाने के बाद एंड मोल्डेड इनटू ए सिंगल सिलेंडर. और पिघलाने के बाद क्या किया कि पूरा मेटल को पिघला करके और उससे क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया. मेल्ट करने के बाद उससे एक सिलेंडर बनाया. जो सिलेंडर बना उसका हाइट है 56 सेंटीमीटर कुछ. तो कहता फाइंड इट्स डायमीटर. तो जो नया सिलेंडर बना, सिंगल सिलेंडर, नया सिलेंडर जो बना मेल्ट करने के बाद, उसका डायमीटर पूछ रहा है, बेस का डायमीटर. तो क्वेश्चन को कुछ ही ढंग से प्रयास कर हम समझाने का. आप ध्यान से देखिए, दो सॉलिड है, सिलिंड्रिकल है. तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ किया कि सपोज करो कि एक सॉलिड ये है और दूसरा सॉलिड ये है, दोनों सिलिंड्रिकल है. तो अभी रहा कि सिलिंड्रिकल शेप्स है, तो दोनों सॉलिड जो है सिलिंड्रिकल है. देखिए 49 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 35 सेंटीमीटर जो है सेकेंड सॉलिड, दो सॉलिड है तो सेकेंड सॉलिड का हाइट है 35 सेंटीमीटर. ये डायमीटर है पूरा. ये बेस क्या होता है सिलेंडर का, सर्कल पहले भी बताया गया है, ये बेस है. तो सिलेंडर का बेस जो होता है सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर हुआ, यही तो हाइट है ना. इस बेस के सेंटर से इस बेस के सेंटर को ये जो मिलाती है लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है, वही हाइट होता है. और ये आपका सर्कल का ये डायमीटर है, सेंटर से पास करता है डायमीटर. तो ये देखिए दिया है बेस डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. तो पहला सॉलिड जो है इसका बेस डायमीटर है 16 सेंटीमीटर, दूसरा सॉलिड है इसका बेस डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर, ये बेस डायमीटर 14 सेंटीमीटर. तो ये दो सॉलिड्स का आपका जो भी इंफॉर्मेशन है आर गिवन इन क्वेश्चंस. अभी दोनों को हमने पिघला दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों को पिघला दीजिए. पिघला देने के बाद वो क्या फिर उससे बनाना है, नया कास्ट किया, एक नया सिलेंडर फॉर्म हुआ. ये दोनों को पिघलाने के बाद एक नया सिलेंडर फॉर्म हुआ. उस सिलेंडर का हाइट दे रहा है, सिंगल सिलेंडर का हाइट दे रहा है 56 सेंटीमीटर. सपोज करो कि ये दोनों को मेल्ट करने के बाद ये एक सिलेंडर बना, तो ये इसका हाइट दे रहा है 56 सेंटीमीटर, जो दोनों को पिघलाने के बाद जो सिलेंडर बना. तो इसका कह रहा है कि फाइंड इट्स डायमीटर, यही इसका डायमीटर फाइंड करना. हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू 49 सेंटीमीटर. फर्स्ट सिलेंडर का हाइट कितना है 49 सेंटीमीटर. फर्स्ट सिलेंडर का हाइट है 49 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 16 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं. रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 16/2 8 सेंटीमीटर, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस का यूज होता है. तो डायमीटर जो फर्स्ट सिलेंडर का 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ इसको दो से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर.
तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला है। आप कर सकते हैं, दो सिलेंडर है तो आप यहाँ कर सकते हैं कि आर वन लिख सकते हैं आर वन स्क्वायर और एच वन, और दूसरा के लिए आर टू स्क्वायर एच टू लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू पाई आर एन स्क्वायर एच वन, ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये तो सॉलिड से है। इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है, फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 49 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट आर वन मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 8 है, तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट 49, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49 इक्वल टू 22 इंटू 8 का स्क्वायर ऑफ फिट क्या होता है 8 × 8 = 64 इंटू 7 इक्वल टू, ये 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 64। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया है 154 को 64 से, ये आया 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इक्वल टू 14/2, डायमीटर इज गिवन 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड करेंगे 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ये चूंकि सेकंड सिलेंडर है तो यहाँ पाई आर टू, आर टू मीन्स सेकंड सिलेंडर का रेडियस, एच टू मीन्स सेकंड सिलेंडर का हाइट, पाई आर टू स्क्वायर एच टू, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज गिवन हेयर 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर इंटू 35 इक्वल टू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 इंटू 35। अभी 49 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, कोसेंट इज 7, हेयर कोसेंट इज 1, तो 22 इंटू 7 इंटू 35, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 154, इट कम्स 154 इंटू 35, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 154 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करने पर, ये 154 को 5 से 770 और 154 को 3 से 462, ये दोनों को ऐड करने से 5390 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर 5390 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दो सिलेंडर का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, अब इसके बाद कहता है कि सिंस बोथ आर मेल्टेड, दोनों को क्या किया गया, दोनों सिलेंडर को पिघला दिया गया, एंड मोल्डेड इनटू सिंगल सिलेंडर, और एक सिंगल सिलेंडर बनाया गया, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, जो नया सिलेंडर बनेगा सिंगल सिलेंडर, दोनों सिलेंडर को पिघलाने के बाद जो एक सिंगल सिलेंडर बनेगा नया सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर विल बी इक्वल टू, तो नया सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर, वो दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम के सम के, यानी दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर होगा। ये हमने यहां पर इस एक्सप्रेशन को लिखा है। अब रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर, नया सिलेंडर का हमको क्या निकालना है, डायमीटर, रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर हमने क्या लिखा, कैपिटल आर, चूंकि एक सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकालेंगे, जो नया सिलेंडर बना उसका फॉर्मूला लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच इक्वल टू फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था 9856, देखिए आप वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या निकला 9856, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर
5390, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर 5390। ये दोनों को प्लस करने पर इट कम्स 15246। ये दोनों को जोड़िएगा तो 15246। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हाइट दिया हुआ है, जो नया सिलेंडर बना है उसका हाइट दिया है कितना, 56 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया है मोल्डेड इंटू ए बोथ आर मेल्टेड एंड मोल्डेड इंटू ए सिंगल सिलेंडर 56 सेंटीमीटर हाई, तो जो नया सिलेंडर बना उसका हाइट है 56 सेंटीमीटर। तो हाइट क्या हो जाएगा 56, ये 7 और 56, 7 का मल्टीपल भी है और 56 और 7 का एक कॉमन फैक्टर है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, 56 को 7 से डिवाइड करेंगे 8, 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 15246 इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 15246 बाई 176। अब देखिए दो से दोनों कैंसिल होगा, इसको दो से कैंसिल करेंगे तो 88 आएगा, इसको दो से कैंसिल करेंगे तो 7623। अब ये कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसको डिवाइड करना होगा, तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 7623 बाई 88। इसको डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 88 से डिवाइड करेंगे 7623 को, 7623 को डिवाइड करेंगे 88 से, तो ये पहले बार कितना मल्टीप्लाई होगा 88 8 जा 704, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 58 आएगा, यहाँ से 3 कैरी करें, फिर सेकेंड टाइम ये मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये जो है तुम्हारा आपका जो है 583 के इक्वल या उससे कम होना चाहिए, तो उसके लिए हमने नंबर 6 लिया है, तो 88 6 जा 528, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 85, ये 1 कैरी किए तो 7 में से 25, यहाँ पर फिर डेसिमल देंगे चूंकि अब कोई डिजिट नहीं है यहाँ, तो यहाँ 0 लेंगे, 88 8 जा 528, ये 220 आएगा, और ये फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 176, ये आ जाएगा उसी ढंग से आएगा। तो हम इस डेसिमल के दो ही डिजिट तक इसको रखते हैं, आगे और कैंसिल भी हो सकता है, ये रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, तो उतना की जो 86.82 हमने यहाँ लिया, आर कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 86.82, कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू 86.82। अब आर निकालना है हमको, तो स्क्वायर यहाँ से जब हम रिमूव करेंगे हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाएंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट। अब 86.82 का स्क्वायर रूट आता है 9.3, देखिए यहाँ 86.82 का स्क्वायर रूट, इसको पेयर बनाते हैं, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि डेसिमल के बाद जो पेयर बनाते हो यहाँ से राइट साइड से ये पेयर है, और इधर होल नंबर का जो पेयर बनाते हो लेफ्ट साइड से, तो ये भी पेयर बन गया, ये भी 9 जा 81 रिमाइंडर 5, ये डेसिमल यहाँ आ गया, जब भी उतारेंगे यहाँ पर नोट डाउन करेंगे पेयर में, सिंगल डिजिट तो होता नहीं पेयर में नोट डाउन होता है, यहाँ 82 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 रख करके ऐड करेंगे 18, अब यहाँ पर 2 है 3 से इसको आ जाएगा, तो यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3, यहाँ 3 183 जा 549, ये 33 आ गया, तो 9.3 आ गया, आगे और करने की जरूरत नहीं है, रेडियस इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर 9.3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिंगल सिलेंडर, डायमीटर क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस को 2 से तो 2 इंटू आर, तो 2 इंटू 9.3 18.6। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलिंड्रिकल पाइप इज 748 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज
9 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स थिकनेस। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है हॉलो सिलेंडर का पहले भी डिस्कस किया गया है कि एक मेटालिक पाइप है, पाइप तो भीतर से हॉलो होता है, उसका इनर पोर्शन क्या होता है हॉलो, तो मेटेलिक पाइप का वॉल्यूम मीन्स क्या हो गया, किसका वॉल्यूम हो गया, उस पाइप में जो मेटल है, उस पाइप में जो मटेरियल है मेटल है उसका वॉल्यूम ये है। लेंथ हाइट के लिए यूज होता है 14 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हम एक रफ फिगर स्केच किया, ये पाइप है सपोज कीजिए, तो पाइप है, तो पाइप तो ये वाला पोर्शन क्या होता है थ्रू आउट, यहां से यहां तक भीतर से क्या होता है हॉलो होता है, तो बेस में क्या होता है ध्यान से देखिएगा, दो सर्कल होगा, एक सर्कल आउटर एक इनर सर्कल। तो एक्सटर्नल रेडियस मतलब जो आउटर सर्कल आपका है, बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर, तो बाहरी जो त्रिज्या है, बाहर वाला जो रेडियस है, तो जो बाहर वाला सर्कल का जो रेडियस है वो आपका ये जो है पोर्शन, ये ध्यान दीजिए ये 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर ये सेंटर, सेंटर से जो ये हो गया रेडियस, ये पूरा सर्कल होता है फिगर में ऐसा है, ये पूरा सर्कुलर होता है गोल होता है तो रेडियस है। तो थिकनेस ऑफ पाइप, तो पाइप का थिकनेस क्या होगा, पाइप का तो थिकनेस यही है, तो थिकनेस क्या हो गया, पूरा रेडियस जो है ये सेंटर है दोनों सर्कल का, तो सेंटर है एक्सटर्नल रेडियस में से इनर रेडियस को घटाएंगे तो ये थिकनेस निकलेगा, तो थिकनेस ऑफ पाइप क्या हो जाएगा कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस में से इस सर्किल का जो अंदर वाला सर्किल है उसका रेडियस, इनर रेडियस, इसको इनर रेडियस कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थिकनेस ऑफ पाइप इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर ओ दिया है क्वेश्चन में, एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक पाइप 748 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेटेलिक पाइप का वॉल्यूम देखिए, जो भी हॉलो सिलेंडर है उसमें दो रेडियस आता है, एक एक्सटर्नल और एक इनर रेडियस, ये माइनस का साइन है, तो पाई अंडर ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, हॉलो सिलेंडर का यही फॉर्मूला होता है, जहां भी हॉलो है वहां ध्यान रखना है आपको ये फॉर्मूला लगाना, इक्वल टू ये मेटेलिक पाइप का वॉल्यूम दिया है 748। अब ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है, इसमें एक्सटर्नल रेडियस कितना है 9, यहाँ पर 9 का वैल्यू पुट करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, देखिए तो एच के जगह पर क्या लिखेंगे 14, यहाँ क्या लिखेंगे 22/7, तो ये क्या हो जाएगा 22/7 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 14, ये 7 14 कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करके आप आर स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर आपका कुछ 64 आएगा, और जब आर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस आपका जो है स्मॉल आर आपका 8 सेंटीमीटर निकलेगा, तब थिकनेस ऑफ पाइप ये 9 है और इनर रेडियस 8 आएगा, तो 9 - 8 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको मैंने समझाया है, इसको आप करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना। उसी नाम से क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर इज 150 पाई, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है 150 पाई, ध्यान दीजिए 150 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ, किसका एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखे हैं, ये दिया है 150 पाई, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 150 पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू हाइट कितना दिया है, हाइट इज 6, तो हाइट यहाँ 6 लिखेंगे, तो इसे हम क्या निकालेंगे आर स्क्वायर 150/6 25 आर निकाल लेंगे, तो इसे हम क्या निकाल लेंगे रेडियस, तो जब आपका रेडियस निकल जाएगा और हाइट दिया हुआ है तो रेडियस और एच से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 2πrr + h, उसे हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, तो इसे आप आर निकालिए, एच इज ऑलरेडी गिवन 6
और देन अप्लाई फार्मूला टोटल सरफेस एरिया एंड लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये आपको भी खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 11, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये सिलिंड्रिकल पिलर इज 260 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 क्यूबिक मीटर। फाइंड द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द पिलर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है इसको, इसलिए इसको मैं सोल्व कर दूंगा। कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना है 260 मीटर स्क्वायर गिवन इन क्वेश्चन। वॉल्यूम इज 924 किसका सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 924 ये भी दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 924। ये दो पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये इक्वेशन वन लेंगे ये इक्वेशन टू लेंगे। अब इसमें ना आपको रेडियस दिया है ना हाइट दिया है, तो आप कैसे निकालिएगा कैलकुलेट कीजिएगा। लेकिन दो एक्सप्रेशन दिया है, क्या दिया है 2 पाई आर एच इक्वल टू दिस, पाई आर एच इक्वल टू दिस। तो इसको क्या करेंगे, तो हम इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे कि डिवाइड टू, ये टू वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक इसको वन से डिवाइड करेंगे। तो टू क्या है, टू है आपका पाई आर स्क्वायर एच को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड से डिवाइड होगा, राइट साइड से। तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर एच इक्वल टू पाई आर एच स्क्वायर एच कितना है 924 इसके सामने लिखेंगे। 2 पाई आर एच कितना है 264, तो 2 पाई आर एच के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे 264। अब देखिए एच एच कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा आर स्क्वायर बाई 2R, यही होगा ना, एच एच कैंसिल पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बाई 2R इक्वल टू 924 बाई 260। आर स्क्वायर बाई 2R इक्वल टू 924 बाई 260। आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं R इंटू आर, आर आर फिर कैंसिल हो गया, R इक्वल टू ये देखिए डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 924 बाई 264, ये डिवाइड है तो राइट साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब 264 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, यहाँ इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 132। अब 924 132 से डिवाइड करेंगे तो 924 विल बी डिवाइडेड बाय 132 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7। तो आपका रेडियस कितना हो गया 7, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए रेडियस फाइंड हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या था आपका 264, कर्व सरफेस एरिया है ना 2 पाई आर 264, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया ही है 2 पाई आर इक्वल टू 264, ये क्या था पार्ट वन था आपका। तो यहाँ पर आप रेडियस को का वैल्यू पुट करेंगे 7, तो 222 बाई 7 इंटू रेडियस 7, एच यहाँ से डिराइव हो जाएगा इक्वल टू 264, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 टू जा 44 एच इक्वल टू 264, इम्प्लाइज एच इक्वल टू 264 बाई 44, ये एक्सप्रेशन आपका हुआ। 264 को 44 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर कितना आता है 6, तो इम्प्लाइज एच इक्वल टू 6। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 6 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जब रेडियस निकला तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया हो तो किया उसका प्रैक्टिस, और जो हमने बताया क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो उसको वीडियो में ठीक से देखना है, और हमने हिंट्स दे दिया है और उसको आपको सोल्व करना है। तो ये डू वर्सिट सीज क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 और प्रैक्टिस 8 एंड 11। थैंक यू।